आज हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का क्लास सिक्स का ये क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। ये हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में से लेकर 15 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ये इसका 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ एक गैर शून्य पूरा नंबर और उसके उत्तराधिकारी का उत्पाद हमेशा होता है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। यानी यदि कोई नंबर जो नॉन जीरो नंबर, मान सपोजिए नॉन जीरो होल नंबर यदि हम यह 5 लेते हैं और इसका सक्सेसर यानी इसके यदि 6 लेते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये 30 होगा। 30 में से नंबर क्या है डिविजिबल बाय 3 या एन ओड नंबर या एन इवन नंबर, तो इसमें होगा एन इवन नंबर इसमें हो जाएगा। इसमें जिसका आंसर होगा ये डी नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर है, एक राशि 5 साल में 9% की दर से 4,16.25 का साधारण ब्याज देती है। राशि क्या है, यानी सम फिक्स्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4,016.25 एट द रेट ऑफ 9% इन 5 ईयर्स, व्हाट इज द सम। यानी इसका हमको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ कर इसका हमको सम बताना, तो इसको यहाँ देख सकते हैं फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट इसका डू हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन हो जाएगा 100। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये इसका जो है ये ब्याज इंटरेस्ट दिया गया है हम, और इंटरेस्ट दिया गया है, रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है हमको, वो राशि फाइंड करना। तो यहाँ हो जाएगा 4,016.25 इज कॉल टू पी इंटू रेट दिया हुआ 9%, टाइम दिया हुआ 5/100। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 9×45, तो 45 पी इज कॉल हो जाएगा 4,016.25 × 100। डिवाइड करेंगे तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका डेसिमल ये हट जाएगा, यानी पीस कट हो जाएगा 4,016.25/45। डिवाइड कर दें 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5×9=45, 5×8=0, 5×3=5, 2 और 5×5=, फिर इसमें 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं वैल्यू को, ये हो जाएगा 9×8=72, यानी इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ 8,0,3,2,5, 9×8=72 ये हो जाएगा 8,3,99=81, 2×9=18 और 9×5=45। इसमें इसका प्रिंसिपल कितना आ गया 8,925, जिसका ऑप्शन इसमें है ये डी नंबर, इसका ये ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसके बाद इसमें 18 नंबर है, जब समय 6 बजे दिखाता है तो घड़ी की हाथों के बीच के कोण को मापें। तो ये से एक घड़ी है, ये 12 का समय रहता है, यहाँ 6 का, जब कांटा इस टाइप में होगा तो इसके भी जो लीनियर एंगल बनता है ना ये 180 का ही एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर 6 सेंटीमीटर की एक क्यूब का आयतन ज्ञात करो, तो 6 सेंटीमीटर जो क्यूब का जो आयतन होगा यहाँ ये इसमें इसका 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसकी पावर 3 यानी हो जाएगा 6×6×6, तो 36×6 216। इसका जो आंसर इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा ए नंबर, इसमें रहेगा
फिर 20 नंबर है रोमन अंक सी डी एक्स 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 9 को अरबी अंक में लिखो तो इसको हो जाएगा सी को लिखते हैं हम 100, डी को लिखते हैं 500, एक्स को 10 10 10 और ये 9 इसको लिख सकते हैं। जैसे ये 100 है, ये 500 है, 10 10 10 ये 9। तो हम देख रहे हैं जो जो संख्या इधर आ रही है सी डी के पहले आया तो ये 500 सी माइनस हो जाएगा 100 तो हो जाएगा 400 और ये 30 और ये 9 यानी 13 है तो जो अंक हो जाएगा यहाँ 439। इसका जो ये आंसर होगा इसमें 439 ए नंबर इसमें रहेगा। 21 नंबर इसमें है दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको लिख सकते हैं यदि एक संख्या एक्स है तब दूसरी संख्या ये इसमें हो जाएगा इसका 16 गुना 16x हो जाएगा और इनका जो गुणनफल है ये दिया हुआ है 1296 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 16x2 क्योंकि एक्स है इसकी पावर 1 पावर 1 तो 2 हो जाएगा एक्स की पावर 2 1296। अब इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1296/16 तो 16 8 128 और हो जाएगा 16 16 यानी x2 = 81। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 9 यानी x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें आएगी डी नंबर इसका आएगा 9। फिर एक कोण का माप 60 डिग्री का 3/4 है इसके पूरा कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करना है तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा बोला है 60 डिग्री का 3/4 यानी गुणा कर देंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 60 × 3/4 तो 41 जो हो जाएगा और 45 = 20 यानी हो जाएगा 15 × 3 = 45। तो इसका जो पूरा कोण होगा तो पूरा के लिए क्या करते हैं जो पूरा का सम होता है वो 90 डिग्री होता है तो यहाँ लिखेंगे पूरा कोण यानी कम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 - 45 तो ये 45 इसका आंसर आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका ये ऑप्शन इसमें रहेगा सी नंबर इसका सही रहेगा। 23 नंबर इसमें है 5.675 और 1.327 के योग से 8.362 और 7.942 के अंतर को घटाएं। इसको देखते हैं 5.675 में प्लस पहले दोनों का प्लस करेंगे 1.327 तो 75 हो जाएगा 12 7291 10 6391 10 अब 5.677 7.002 और सेकंड में दिया हुआ है इसमें जो है इन दोनों को पहले डिफरेंस इसका घटाएंगे दूसरे से ये हो जाएगा 8.362 में से 7.942 को माइनस करेंगे तो 2 2 2 माइनस करें तो 0 आएगा 6 ऊपर घटाएंगे तो 2 आएगा और ये 13 से 9 तो 4 और ये 0.420। अब दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7.002 से करेंगे 0.420 तो 2 आएगा और 10 से 2 करेंगे तो 8 आएगा और 5 और इधर आएगा 6 इसका जो आंसर आएगा 6.582 इसका ए नंबर सही रहेगा। 24 नंबर में क्या है इसकी हमको परिधि ज्ञात करना है तो परिधि यानी इसकी चारों की कुल लंबाई ज्ञात करना है तो जैसे ये 4 है तो 415 ये 5 हुआ 5 के बाद 3 है तो 5 और 3 8 हो जाएगा 8 2
टेन, टेन और थ्री थर्टीन, थर्टीन और फोर हो जाएगा सेवनटीन, सेवनटीन और वन एट्टीन, एट्टीन और थ्री हो जाएगा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन और टू हो जाएगा ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री और ये थ्री हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स और ये फोर हो जाएगा थर्टी, थर्टी और वन थर्टी वन, थर्टी वन और थ्री थर्टी फोर, थर्टी फोर और टू थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स और थ्री थर्टी नाइन, थर्टी नाइन और फोर हो जाएगा फोर्टी थ्री, फोर्टी थ्री और वन फोर्टी फोर, फोर्टी फोर और थ्री जगह फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन और टू फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन और थ्री हो जाएगा फिफ्टी टू। इसका जो आंसर यहाँ बी नंबर इसका आंसर ये सही रहेगा। इसका 25 नंबर है, रुपये 450 की राशि के लिए कितना समय लगेगा जब सरल ब्याज में प्रतिवर्ष 4.5% की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये पाने के लिए, यानी इंटरेस्ट दिया गया अपने पास 81 और प्रिंसिपल राशि दी गई है 450 और रेट दिया है हमको टाइम फाइंड करना, तो इसमें रिप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 का, या अपने पास दिया हुआ है प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है 450 रुपीस, रेट दिया हुआ है 4.5%, हमको यहाँ टाइम फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 81 रुपीस दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो यहाँ आ जाएगा 81 इक्वल टू 450 इंटू 4 इंटू 4.5 इंटू टाइम, और यह हंड्रेड यहाँ लिख सकते हैं 450 इंटू 4.5 टी रहेगा साथ में ये, और 81 इंटू 100 तो टाइम इज कल टू हो जाएगा इसमें 81 इंटू 100 अपॉन 450। इसको डेसिमल हटाने के लिए इसमें बटे में इसके 1 0 लगाएंगे, एक बाद 0, तो इसका डेसिमल हटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 45.10, यही हो जाएगा 81 इंटू 100, ये फिर ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा 450 इंटू 45, तो ये एक जो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर सकते हैं 5 9 जा 5 2 जा 5 4 जा 5 9 जा और 9 9 जा और 9 1 9, तो ये हो जाएगा 4, यानी टाइम हो जाएगा यहाँ पास ये 4 ईयर्स यहाँ हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर है, एक त्रिभुज में यदि दूसरा कोण पहले कोण से 2 गुना और तीसरा कोण पहले कोण से 3 गुना है तो त्रिभुज के कोण ज्ञात करते, इसका आंसर हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पास, दूसरा कोण पहले कोण का 2 गुना यानी 3 गुना 60 और तीसरा कोण पहले कोण का 3 गुना 3 त्रिकाई 90, तो इसका ये ऑप्शन ये सही रहेगा, ए नंबर इसका ऑप्शन ये है, जिसको ऐसे भी लगा सकते हैं, और इसको हम एक इसका तरीका और भी है, जैसे ये सपोज यदि हम एक पहला गुण यदि x माने तो जो दूसरा गुण बोले इसका 2 गुना है और जो तीसरा गुण इसका 3 गुना, इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको यदि प्लस करें तो x प्लस 2x प्लस 3x और तीनों के जो सम होते हैं ना त्रिभुज के तीनों गुणों का जो सम होता है वो 180 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 2 5 6 यानी 6 6 x² यहाँ हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब 180 में से इसको डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30 आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ 30 है, तो इसको जो एंगल होगा यहाँ पहला एंगल होगा 30 डिग्री होगा, दूसरा एंगल 30 × 2 यानी 60 डिग्री होगा, तीसरा 30 × 3 आने जाएगा 90 डिग्री, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए नंबर सही रहेगा इसमें। इसका जो 27 नंबर है, एक सर्कल का क्षेत्रफल 616 cm², इसका व्यास ज्ञात करो, तो इसको लगा सकते हैं हम यहाँ पास, यहाँ देख सकते हैं एरिया ऑफ जो सर्कल होता है
यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। और अपने पास एरिया दिया हुआ 616 दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू होती है पाई की 22/7 आर आर स्क्वायर, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, 7 का 616 हो जाएगा 22 आर स्क्वायर इक्वल टू 616 इंटू 7/22। अब डिवाइड कर देंगे तो 11 को तो 11 2 जा, 11 5 जा और 11 6 जा, 2 2 जा और 2 8 जा, यानी 22। यहाँ क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया 22 को तो ये 22 यहाँ नहीं रहेगा, डिवाइड में आएगा संख्या ये। तो जो वैल्यू आएगी अपने पास 28 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 7 8 जा 26, 7 2 जा 14 और 14 5 हो जाएगा 196। और 196 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा वो होगा 14 होगा। हमको इसका डायमीटर, इसका व्यास फाइंड करना है, तो डायमीटर जो हो जाएगा इसमें, डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, यानी 14 इंटू 2 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन रहेगा यहाँ पास सी हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन ये सही होगा। इसमें 28 नंबर इसमें है, जब 53.01 से उसको 24 से भाग दें तो भागफल ज्ञात करो, तो इसमें डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ कर सकते हैं वैल्यू को 53.016। 24 को डिवाइड करना है तो इसको हम डेसिमल पर हटाएंगे तो हो जाएगा 53016। 24 यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम बटे में एक के बाद 3 जो लगाएंगे तो इसका जो डेसिमल वो हट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं इसको हम यहाँ, यदि 4 से डिवाइड करें तो 4 6 जा 4 1 जा 4 3 जा और ये हो जाएगा 0 और 4 4 जा, फिर 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड ये नहीं होगा, 2 से करें 2 3 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 2 जा, और यहाँ करेंगे 3 2 जा 3, ये भी डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से, ये लिख सकते हैं इसको 6502/3×1030 यहाँ आएगा। यहाँ में जो डिवाइड किया गलत हमने डिवाइड किया, इसको दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 53016/24×1000, तो 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 3 जा और ये हो जाएगा, डिवाइड करते हैं इसको 53016। फोर वन जा 4 1, 4 3 जा 12 1, 4 2 जा 8 2 बचेगा, 4 5 जा 21 और 4 4 जा यानी 132 54। तो इसमें जो रहेगा यहाँ पास ये, अब यदि 6 से यदि इसको डिवाइड करें तो 6 2 जा 12, तो इससे डिवाइड हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 0 और 6 9 जा 54, तो ये हो जाएगा 2209/1000। डिवाइड करेंगे तो ये 3 0 है, तो 3 डिजिट पहले यहाँ डेसिमल लग जाएगी तो हो जाएगा 2.209। तो इसका जो आंसर रहेगा 2.209, ये इसका बी नंबर ऑप्शन ये सही रहेगा। इसमें
इसका जो 29 नंबर है, 60 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मार्ग 25 सेंटीमीटर के वर्ग टाइल द्वारा कवर किया गया है। इस पथ को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल्सों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, इसका जो एरिया होगा जो ट्रायंगल पथ का और जो टाइल्स इसका एरिया, इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमको इसकी संख्या मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ मीटर में दिया हो, यहाँ सेंटीमीटर दिया हो, तो इसको या तो हम ऐसा करें तो सेंटीमीटर बदल लें या तो इसको मीटर में बदल लें, यानी दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ कर सकते हैं वैल्यू को 29 में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पथ ये हो जाएगा 60 × 3, क्योंकि ये मीटर में दिया हो तो इसको जब हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 60 मीटर में 60 × 100 इसमें करना पड़ेगा और इसका भी 3 × 100, तब ये सेंटीमीटर में ये वैल्यू इसकी आएगी। और यहाँ जो दिया हुआ है एरिया ऑफ टाइल्स स्क्वायर टाइल्स, ये हो जाएगा 25 × 25, यहाँ लिखेंगे नंबर्स ऑफ टाइल्स, ये हो जाएगा 60 × 100 × 3 × 100 अपॉन हो जाएगा 25 × 25, तो ये 25 × 100 और ये हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा 180 और × 4 × 4 = 16, तो 16 × 8 = 180 का 8 = 12, 16 × 16 और 16 में 12 को प्लस करने की वैल्यू हो जाएगी 28, इसका जो आंसर आएगा 2880, ये इसमें इसका सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अब 30 नंबर इसमें जो है 475 + 954 का 64% = 900 + a में एक स्थान में कौन सी संख्या होगी, इसको देख रहे हैं। तो इसका जो ये है 30 नंबर है 475 + 950 का 64% = 900 + ये हमको फाइंड करना, तो इसमें लिखेंगे 475 + 950 का मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 64% को हम 64/100 लिख सकते हैं, तो एक जो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं वैल्यू को, तो 10 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगी वैल्यू 4750 + 95 × 64, ये हो जाएगा 4750 + इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 95 × 64, तो 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 36 + 2 हो जाएगा 38, 6 × 5 = 30 और 6 × 9 = 54, इसमें 6 × 5 = 30 और 6 × 9 = 54, 54 + 3 हो जाएगा 57, तो 0, 8, 7 + 3 = 10 और ये 6 हो जाएगा 6080, और चाहे तो 10 का इसमें हम इसको डिवाइड भी यहाँ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको देखते हैं 900 + a, तो जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4750 6080, तो 0 और 8 और 5 हो जाएगा 13 7 1 8, ये तो 10830/10, ये वैल्यू हो जाएगी
900 प्लस एक जोड़े कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास 1/3 इज इक्वल टू 900 प्लस ए। ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 183 माइनस 900 इज इक्वल टू ए। एस को माइनस करेंगे वैल्यू हो जाएगा 1083 900 हो जाएगा 38 और ये वैल्यू हो जाएगी 183। तो जो कि वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ आएगी ए नंबर इसका आएगा 183 आएगा। 31 नंबर इसमें है 216, 288 तथा 720 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना, तो यहाँ लिखेंगे इसको हम, ये हो जाएगा 216, 288 और 720। तो यहाँ इसको लिखेंगे सभी काल और इसका पैटर्न निकालते हैं, तो 21 जा 28 जा 25 जा 24 जा 22 जा 27 जा 39 जा 33 जा ये 288 का लेते हैं तो हो जाएगा 21 जा 244 जा 27 जा 22 जा 23 जा 26 जा 21 जा 28 जा 29 जा 33 जा और 31 जा। 720 के लेते हैं यहाँ तो 720 का 23 जा 26 जा 21 जा 28 जा 29 जा 24 जा 25 जा। 3 से करेंगे तो 31 जा 35 जा 35 जा और ये, तो इसको लिखते हैं 216 का जो फैक्टर यहाँ है 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 और 280 का यहाँ आएगा 2 × 1 2 3 4 5 2 × 3 × 3 720 के यहाँ आएगा 1 2 3 4 और 3 × 3 × 5 तो यहाँ देख रहे हैं दो इसमें कॉमन मिल रहा है, ये भी दो सभी में कॉमन है, ये 2 ये भी कॉमन है, इसके बाद 3 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, फिर 3 इसमें भी है, ये है और ये कॉमन है, इसके बाद 5 कॉमन नहीं मिला, तो जो कॉमन है उसको मल्टीप्लीकेशन आपस में करने की हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 तो 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 3 = 24 और 24 × 3 = हो जाएगा 72। तो इसका जो एस सी एफ आएगा वो आएगा 72 आएगा। इसका जो आंसर है इसमें वो हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर इसका सही रहेगा। 32 है सरलीकृत सिंप्लीफाई करना सॉल्व करना है इसको 106 × 106 माइनस 94 × 94 इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 32 में 106 × 106 माइनस 94 × 94 तो इसमें जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 106 × 106 6 × 36 और 6 × 1 = 6 0 0 0 1 6 0 1 6 3 12 ये आ जाएगा 94 करेंगे तो हो जाएगा 4 4 = 16 4 9 = 36 37 9 4 = 36 3 और 9 9 = 81 और 81 और 3 हो जाएगा 84 तो हो जाएगा 6 7 6 = 13 का 1 3 और 1 4 3 7 1 8 8 ये हो जाएगी। पहले यहाँ करेंगे
वन वन टू थ्री सिक्स माइनस एट एट थ्री सिक्स तो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये जीरो। 12 से एट घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास 4 9 2। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा अपना वो आएगा 2400, यानी इसका जो ऑप्शन होगा ये ए नंबर इसमें ऑप्शन सही रहेगा। इसी का जो 33 नंबर है, किसी संख्या में से 600 के 70% का दो तिहाई घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। तो इसको देखें, मानते हैं वह संख्या x है, तो इसको लिख सकते हैं, मान लेते वह संख्या x है, तो x क्या है, x में से 600 का 70% यानी 600 into 70/100 का दो तिहाई यानी 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस ये जो कैंसिल तो 6 7 4 20 हो जाएगा into 2/3, तो 3 1 3 4 तो x माइनस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसमें रिजल्ट इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 280 और इसका 320। इसको ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये उसमें हो जाएगा 320 + 280, तो ये हो जाएगा 320 280 यानी हो जाएगा 0 8 2 10 3 2 6 600 x की वैल्यू आएगी। सो जो आंसर आएगा उसमें बी नंबर होगा 600। इसी का जो 34 नंबर है, एक सेल फोन 1500 रुपये में खरीद कर 1650 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो यहाँ देख रहे हैं जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से अधिक है, तो इसमें हमको लाभ होगा और हमको लाभ प्रॉफिट ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी जो क्रय मूल्य है सेलपन को वो दिया हुआ है 1500 रुपये दिया गया है, और जो उसका सेलिंग प्राइस जितने बेचा गया वो दिया हुआ है 1650 रुपये में। तो इसको हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस अधिक है तो इसमें हमको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हो जाएगा 1650 - 1500, तो घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 150 रुपये। तो हमको यहाँ याद करना है प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना, तैयार हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 / कॉस्ट प्राइस, तो हो जाएगा 150 × 100 / कॉस्ट प्राइस है 1500, तो 2 × 10 यानी अपने को जो प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट मिला है 10% का। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसका ए नंबर इसका ये ऑप्शन होगा, ये सही होगा। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।